देश में रामनवमी कई बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाए गए। साल जहां पर राम के नाम पूरे भारतवर्ष में गूंजते रहे, ऐसा एक नज़ारा मुंबई में स्थित कांदिवली के लोगों ने टाउनशिप में देखने को मिला, जहां पर ग्रीन मीडोज नामक बिल्डिंग में ग्रीन मीडोज सेवा ट्रस्ट द्वारा भव्य रामनवमी मनाया गया, जिसमें भगवान श्री राम की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें कई हजारों में राम भक्त मौजूद रहे। ये प्रचंड राम यात्रा ग्रीन मीडोज बिल्डिंग से होते हुए लोखंडवाला के तमाम बड़े जगह पर जाकर वापस ग्रीन मीडोज के बिल्डिंग में पहुंची, जिसमें कई राजनीतिक, सामाजिक और कई उद्योगपति लोग मौजूद रहे। वही शाम के कार्यक्रम में स्टेज पर रामकथा बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस को बिल्डिंग के बच्चों ने बड़े ही अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, राम भक्तों के लिए ट्रस्ट ने भोजन का भी प्रबंध किया था। आज रामनवमी, आज जो पालकी निकलने वाली है, आप इसी रेसिडेंट, मतलब इसी बिल्डिंग के रेसिडेंट जी? हम लोग ग्रीन मीडो से लास्ट 14 साल से यहाँ रह रहे हैं, और दो साल से हम लोग बना रहे हैं, और राम सीता हम लोग ही बन रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। पूरे लोखंडवाला हम लोग इस तरह से पहले ऐसे जो ग्रीन मीडो है सब जगह से ये निकालते हैं रथ यात्रा। तो ये जो रूप में आने के लिए कितने महीने से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्या क्या छोड़ना पड़ता है उसके? छोड़ना तो खाना पीना छोड़ना पड़ता है सुबह से, और मेहनत है थोड़ी इसमें, बट एक दिन में हो जाता है सब प्रैक्टिस। भी हम लोग मरते आते हैं लोग, मतलब राम भगवान पेशेंस क्या वो है रूप है, तो वही रखना पड़ता है, और सीता मैया को उनका साथ देना पड़ता है। आप हस्बैंड वाइफ है या फिर? हस्बैंड वाइफ। राम और सीता की जोड़ी काफी सालों से बनते आ रहे हैं हम लोग। सत्संग परिवार का भी प्रोग्राम होता है, वहाँ पे भी हम लोग बनते हैं, काफी साल से चलता आ रहा है। ये बात है कि हनुमान जी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी ने उस समय अवतार लिया था, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, इसी के लिए कोशिश की जा रही है। कलयुग में भी भगवान जिंदा है? जिंदा है, हनुमान जी तो हैं, अमर हैं, अमर हैं। आज बड़ा पर्व का दिन है कि राम नवमी है, हमारे पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन है। इससे बड़ा हर्ष और हर्षोल्लास कभी नहीं हो सकता हिंदू समाज में। हिंदुओं के हमारे आराध्य देव श्री राम का जन्म के ऊपर हम हर साल बड़े धूमधाम से यहाँ पर शोभा यात्रा निकालते हैं, और बड़े मज़े के साथ सब लोग एंजॉय करते हैं। ये शोभा यात्रा अपने आप में शोभा नहीं है, ये मन को प्रफुल्लित करने वाली एकता की यात्रा है। हमारे हिंदू समाज के लिए एकता का प्रदर्शन है। हम लोग सब राम जी के जन्म उत्सव पर सब एक हुए हैं। पूरे हिंदुओं का हमारे पर गर्व है कि हम सब पूरे हिंदू समाज के एक साथ हैं। यही हमारा साथ है, और आपस में भाईचारा, प्रेम, ये सब बांटने का इरादा है। यहाँ पूरा समाज साथ में है, हमारा सब समाज से प्रेम है, और जय श्री राम के साथ हम लोग उद्घोष करते हुए श्री राम का जुलूस निकालते हैं। रैली कहाँ तक जाने वाली है? ये पूरा लोखंडवाला टाउनशिप की यात्रा है, जो हमने पिछले साल भी निकाला था, बहुत हर्षोल्लास से हजारों लोगों ने शामिल किया था, और आज भी पूरी लोखंडवाला की सब सोसाइटी से इसका पुष्पा वर्षा के द्वारा यहाँ पर स्वागत हो रहा है। ये बड़ी आनंद की बात है, सब के सब इसमें शामिल है, और इससे बड़ा जुलूस इस लोखंडवाला टाउनशिप में धार्मिक जुलूस पहली बार निकल रहा है। पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस दिख रहा है? पिछले साल कोरोना का टाइम था, तो लोगों में जुलूस में जोश बहुत था, बहुत ज़बरदस्त जुलूस निकला था। इस बार भी अच्छा जुलूस निकल रहा है, सब ने बहुत सहयोग दिया है, और जितने भी टाउनशिप के लोग हैं सब इसमें शामिल होते हैं, बड़ा उनको आनंद आता है। राम भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? मैं राम भक्तों से एक ही बोलता हूँ कि जैसे हमारे राम का स्वभाव वैसे स्वभाव बना के रखो, अपने मन में निर्मलता, सहनशीलता और शालीनता, और अपने मन में शांति बना, अपनी जय विजय है। राम की विजय उसी में थी कि वो शालीन थे, उनके अंदर एक बड़ा भगवत प्रेम था, वो हमारे हिंदू समाज में जागृत होना चाहिए। हम लोग हर समाज को आनंदित देखना चाहते हैं, यही हमारे राम का प्रेम था, वो हम सबको बांटना चाहते हैं। जय श्री राम। बहुत सारी शुभकामनाएं ग्रीन मेडोज को, लोखंडवाला, पूरे लोखंडवाला टाउनशिप को मेरी तरफ से अशोक तलवार, और बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रथयात्रा कहाँ से कहाँ? ये पूरे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स घूमेगा, ये पूरा यात्रा राम जी की पूरे लोखंडवाला टाउनशिप में घूमेगी। ओके, हम राघवेंद्र अवस्थी है, और मैं यही ग्रीन मीडोज का रहवासी हूँ।
आप देख रहे हैं कितनी कितनी भव्य झांकी बनी हुई है। ये बहुत ही बढ़िया जुलूस निकलता है हम लोग के यहाँ, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक अपने आप में एक संस्कृति के प्रतीक है, तो उनके इस उनके जो लिए हम लोग सब एकजुट कर मिले और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, संस्कृति को आगे बढ़ाएं, ये मेरा सबसे अनुग्रह है। धन्यवाद। मोदी जी द्वारा और कोर्ट द्वारा राम अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पूरे हिंदू देश में, हिंदुस्तान में, पूरे देश के सभी रहवासी आज रामनवमी का पर्व है, सभी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्रीन मेडोज सेवा ट्रस्ट द्वारा रामनवमी का एक शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। मैं मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से तमाम देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद।